हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। जय हिंद भाइयों। आज देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछे जा रहे हैं और बीआरओ अधिकतर पूछते ही हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपके नदी बेस्ड रहेंगे। ओके, रिवर बेस्ड, ये रिवर पे बेस्ड आएंगे। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ये गंगा है। भारत को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। ओके, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्म पुत्र। ओके, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोड़ी से होकर बहती है? नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में प्रवाहित भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्ट के वही रखे गए हैं इसमें जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। देख लेते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और इसकी है 2900 किलोमीटर। ओके, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु। किस नदी को ब्रज गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रवाह का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? ब्राह्मणी। बेन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। इंड्रो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा। ये क्वेश्चन ढक गया है जो मैंने अभी पढ़ा है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? राजक सरकार। कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? 20%। प्रायद्वीपी नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी एवं बेंगई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। दक्षिणी भारत की पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? गोदावरी।
नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? छिप्रा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा की निर्माण करती है? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ करण। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी। पेनार की सहायक नदियां कौन सी हैं? पापाधनी एवं चित्रावती। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके रिवर्स से संबंधित थे। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।